नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के गोलीहाट के पाली में नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकों द्वारा प्रसिद्ध गोलोक देवता मंदिर परिसर व गांव के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वयंसेवक संगीता व अन्य द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। अभियान में ग्राम प्रधान सहित कई ग्रामीण शामिल थे। पिथौरागढ़ में माँ भगवती मोटर ड्राइविंग स्कूल के प्रबंधक व सोशल वेलफेयर सोसाइटी के परियोजना समन्वयक दिलीप सिंह वल्दिया के पिता जमन सिंह वल्दिया का आज दोपहर में उनके चंद्रभागा स्थित आवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। दिलीप वल्दिया के पिता के निधन का समाचार मिलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त करने वालों में ललित तड़ागी, गुलदीप मेहर, अजय जोशी, महेंद्र सेठी, जगदीश थापा, सुनील वर्मा, शमशेर मेहर सहित कई लोग शामिल थे। दिवंगत जमन सिंह वल्दिया का अंतिम संस्कार कल सोमवार को रामेश्वर घाट में किया जाएगा। पिथौरागढ़ के बिंडचेसर में आज बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मयूख मेहर द्वारा SJD बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने एकेडमी बनाए जाने को लेकर सुनीता डसीला, महेंद्र सिंह डसीला और धर्मेश डसीला के प्रयासों की सराहना की। एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न आयु वर्ग के सिंगल व डबल बैडमिंटन मुकाबले खेले गए। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़ी सहित SDM अनुराकारी इंजीनियर GS बुद्याल, जिला क्रीड़ा अधिकारी अरुण बगनियाल, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र कविता भगत, ब्लॉक प्रमुख बीड़ लक्ष्मी वल्दिया, ब्लॉक प्रमुख मुनाकुट नीमा वल्दिया सहित कई लोग मौजूद थे। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशानुसार जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा दूरस्थ गांव गणकोट में एक कार्यक्रम का आयोजन कर असहाय विधवा बुजुर्ग निर्धन वर्ग के लोगों को कंबल, हाइजीन किट सहित अन्य राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान समिति की डॉक्टर श्वेता खरकवाल द्वारा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, समिति के राजेंद्र गणकोटी, हरीश भट्ट, दीपक गणकोटी, निखिल महंत, कर्मगिरी राजेंद्र गिरी सहित कई लोग मौजूद थे। बागेश्वर में मेला क्षेत्र में आज एक महिला मीना खेतवाल का पर्स हो गया, जो मेला ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नवीन चंद्र को मिला, जिसमें कई आवश्यक कागजात, आधार, ATM कार्ड व नकदी थी। पुलिसकर्मी ने कार्ड से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर महिला को पुलिस चौकी में बुलाकर पर्स की पहचान कर उनके सुपुर्द कर दिया, जिस पर महिला व अन्य लोगों ने पुलिसकर्मी का आभार व्यक्त किया। इधर सरयू बगड़ में मेला ड्यूटी पर तैनात महिला PRD जवान खष्टी मेहता को एक 8 वर्षीय प्रियांशु नाम का बच्चा रोते हुए मिला, जिससे महिला जवान ने बच्चे के परिजनों के बारे में जानकारी लेकर उसके पिता को तलाश कर बच्चा उनके सुपुर्द कर दिया। बच्चे को पाकर उसके पिता गणेश सिंह ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ के मुआनी में राजा क्लब द्वारा स्वर्गीय पदम बहादुर चंद मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता आज पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ज्येष्ठ देव क्लब मुआनी ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि विधायक बिशन सिंह चुफाल ने विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज हुए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोटुड़ा पथियाल की टीम ने 15 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी ज्येष्ठ देव क्लब मुआनी की टीम ने 7 ओवरों में लक्ष्य प्राप्त कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच में निर्णायक की भूमिका में बब्बू कार्की, जय कीर्ति कार्की, स्कोरर बब्बन बोरा, उद्घोषक रमेश बम, हंसपाल, अमरजीत और हिमांशु थे। समापन अवसर पर थानाध्यक्ष स्थल योगेश कुमार, डब्बू चंद्र और डॉक्टर आकांक्षा द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुआनी महोत्सव समिति के अध्यक्ष कमलदीप सिंह बिष्ट, जितेश कनका, राम सिंह राठौर, संजय लाय वर्मा सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। सीमान जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने व शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने और शांति व्यवस्था भंग करने पर अलग अलग मामलों में पुलिस द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार कर 2 वाहनों को सीज किया गया। प्रभारी निरीक्षक DDR हिमांशु पंत द्वारा चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर घनश्याम भट्ट को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। बेरीनाग में प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में सरेआम उत्पात मचाकर शांति व्यवस्था भंग करने पर 5 लोगों दीपक कुमार, अक्षय कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार व साहिल कुमार को 151
सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष स्थल योगेश कुमार के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने पर महिराज सिंह को शराब गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने पर 116 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इधर कनालीसीना में परचून की दुकान में शराब बेच रहे एक व्यक्ति योगेश चंद्र को थानाध्यक्ष जावेद हसन के नेतृत्व में कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह और दिनेश सिंह द्वारा गिरफ्तार किया गया। इधर थल क्षेत्र में रात्रि में अवैध खनन करने पर एक जेसीबी व टिप्पर वाहन को सीज किया गया। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमशुदा हुई एक युवती को पुलिस ने चंद घंटों में बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंगोलीहाट के कांडा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पनार पुलिस चौकी में अपनी 19 वर्षीय पुत्री के घर से बिना बताए जाने व खोजबीन करने के बाद भी पता न चलने की सूचना दी। सूचना पर प्रभारी पनार चौकी हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए सर्विस लांस की मदद से लमगड़ा के निकट लोकेशन प्राप्त होने पर तुरंत लमगड़ा पुलिस थाने से संपर्क कर सभी वाहनों की चेकिंग करने पर गुमशुदा को लमगड़ा क्षेत्र से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसको लेकर युवती के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल राजपाल सिंह व विपिन ओली शामिल थे। पिथौरागढ़ के सनीवा लाइन में आज पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी और सुरेश कंबोज के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सनीवा लाइन में 6 लोगों अजगर अली, रविकांत, धीरज, वसीम, कुलदीप, जीवन को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुए के फर्श से एक ताश की कट्टी व 15,460 रुपये बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह, कुंदन सिंह, भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल ध्रुव सिंह और जितेंद्र सिंह शामिल थे। पिथौरागढ़ के बड़ावे मोटर मार्ग में आज शाम एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों में से 2 घायल हो गए। घायलों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम को एंचोली बड़ावे मोटर मार्ग में आठ गांव सिलिंग के निकट एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 5 लोगों में से हरीशचंद्र और हेमचंद्र घायल हो गए। अन्य शांता, आशा व हर्षित को कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही 108 ने स्थल पर पहुंचकर घायल हुए 2 व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया। फोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।